नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह। बात करते हैं आज झारखंड की। कांग्रेस के लिए तमाम राज्यों में जो संकट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो कांग्रेस से अलग हट करके विपक्षी कैंडिडेट को नहीं बल्कि एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला ही। खुद कांग्रेस के अंदर से क्रॉस वोटिंग हुई है। करीबन 9 से 10 विधायकों का सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया, यानी यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं डाला। ये बहुत बड़े झटके की खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। झारखंड में 9 से 10 विधायक, 18 विधायक हैं आपको बता दें झारखंड में कांग्रेस के, 28 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, और 18 में से 9 से 10 विधायक बताया जा रहा है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। अब समस्या ये है कि सूत्रों से इस बात की जानकारी मिल रही है कि पार्टी आलाकमान बहुत नाराज है और इस बात को लेकर के भी काफी चिंतित है कि ऐसे में झारखंड में सरकार बचेगी कैसे। लेकिन इसके बावजूद सरकार बचाने की ऐसी मजबूरी है कि पार्टी नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई इस पर औपचारिक तौर पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहा। लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि संकट सॉल्व हो जाता है, और यही बात पार्टी आला कमान को काफी चिंतित कर रही है। हमसे कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ सोर्सेज ने कहा है कि इस बात का आकलन जरूर है, इस बात की समझ कांग्रेस नेतृत्व को जरूर है कि ये जो 9 से 10 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, कहीं ऐसा ना हो कि ये सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इन विधायकों का पाला बदल करके दूसरी तरफ जाने में, और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के बाद झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार का बलिदान हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार से मेरा मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन करने वाली वहां की राज्य सरकार, और ये बहुत बड़े झटके की खबर है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का ये कहना है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल लीडर थी और इस वजह से कुछ ट्राइबल विधायकों ने उनको वोट डाला, इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गौर करने वाली एक बात और बताता हूं आपको कि एक दिन पहले गुरुवार को जब सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्वेश्चनिंग चल रही थी और कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली समेत पूरे देश भर में अलग अलग उनकी राज्य इकाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तब झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसमें भी बताया जा रहा है 9 से 10 विधायक नहीं पहुंचे थे। यानी कि संकट बहुत गहरा है, और ये एक ही बार चोट नहीं पहुंची है कांग्रेस को। इसके पहले भी आप देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब विपक्ष ने अपने कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का नाम ऐलान किया तो जेएमएम जो कि उनके साथ झारखंड में सरकार में है कुछ दिन लगाया, पहले सस्पेंस बरकरार रखा और उसके बाद ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। तभी से ये स्पेकुलेशन होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड में सरकार गिरने वाली है और जेएमएम हेमंत सोरेन बीजेपी से हाथ मिला ले। वो आगे की बात है, उस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये दूसरा झटका था। सिर्फ यही नहीं, अब आपको याद दिलाते हैं कांग्रेस को मिला जेएमएम से तीसरा झटका। तीसरा झटका क्या था? राज्यसभा चुनाव के वक्त, जो हाल में अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्य से जो एक सीट जीतने वाली थी अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा था। कांग्रेस चाहती थी कि उनके उम्मीदवार का समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करे। फिर वही सस्पेंस रहा, कुछ दिन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुछ नहीं कहा, और उसके बाद अचानक हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। उस समय भी बात यहां तक पहुंच गई थी कि कांग्रेस नेतृत्व के इशारे के बाद कांग्रेस के प्रभारी जो हैं वो स्टेट में जाते हैं, सभी विधायकों और नेताओं से चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल कुछ हुआ नहीं है औपचारिक तौर पर। निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि एक के बाद एक, अंग्रेजी में जो कहा जाता है ब्रूस, जख्म मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो बार, एक बार राज्यसभा का कैंडिडेट नहीं देखे, दूसरी बार एनडीए की कैंडिडेट को समर्थन देखे, और अब खुद 9 से 10 कांग्रेस के विधायकों का पाला बदलना निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट का सबब है। और अगर समय रहते इसको नहीं संभाला गया, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए झारखंड में अपनी जेएमएम के साथ साझा सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा।